एएसपी अखिलेश कुमार शर्मा ने बताया कि पाली शहर के धान मंडी इलाके में शिमालियों की गली में ज्वेलर कमल किशोर सोनी से 18 दिसंबर को लूट की गई थी। बदमाश 6 किलो चांदी के गहने लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। मामले में ज्वेलर के पड़ोसी ललित कुमार सोनी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 नाबालिगों को संरक्षण में लिया गया। मुख्य आरोपी साहिल फरार है। ललित ने ही वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों को तैयार किया और घटना वाले दिन भी इनपुट दिए थे। जितेंद्र चौहान की पाली से रिपोर्ट। दिनांक 18/12/2023 को कमल किशोर पुत्र हरगोविंद जाति सोनी निवासी श्रीमालियों गली धान मंडी है, हमारे यहाँ पे चौकी है, वहाँ पे उनकी दुकान है, वहाँ पे अपने सोने चांदी की। तो उन्होंने यहाँ पे थाने पर रिपोर्ट दी कि भाई मैं मेरी दुकान पर बैठा था करीब शाम को 4:20 पर, 4:15 बजे 3 लड़के नकाबपोश मेरी दुकान में आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे और पिस्टल निकालकर उन्होंने मेरे सर पे लगा दी। इसके बाद में 2 लड़के और अंदर दुकान में आए, वो दोनों भी नकाबपोश थे। तो कुल मतलब 5 लड़के वहाँ पे आए और इन्होंने बताया कि भाई एक फायर किया और करीब 5-6 किलो सोने चांदी के जेवरात लूट कर ले गए। तत्पश्चात श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में उन्होंने तुरंत निर्देश प्रदान किया हम लोगों को। तो हमारी जो टीम है, मैं हूँ, सीओ साहब हैं, कोतवाल साहब हैं और भल्लाराम में एएसआई है। घटनास्थल के आसपास के सारे सीसीटीवी हम लोगों ने खंगाले, आसूचनाएं जुटाई और उसके बाद में अभी इस घटना को हमने ट्रेस आउट किया है। तो अभी हमने कुल 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, मूलाराम उर्फ राजू जाति भाट बंजारा और दूसरा है दिनेश पुत्र तुलसाराम जाति जाट, ये पुलिस थाना बिला, एक थाना कोतवाली का, दूसरा बिलाड़ा का जोधपुर का, और 2 बालकचारी हमने संरक्षण में लिए। कुल मिलाकर 4 लोग अभी पुलिस के पास में हैं और घटना को ट्रेस आउट किया, अब इनका पीसी लेंगे और इनसे जो भी जानकारी होंगी इस अपराध को और अधिक इसकी क्या चयन है उसको ट्रेस करने के लिए वो प्रयास पूरी पुलिस करेगी।